हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे बेबी किचन किंग में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास रेसिपी लेकर आए जो है बहुत ही अच्छी। वो क्या है? लाइमन मसाला, और इसको सलाद पे भी डाल सकते हैं, और इसको अगर पेट में गैस हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फ्रूट चाट होता है उस पर भी डाल सकते हैं। ये कई औषधियों के काम करता है। और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये है 500 ग्राम काला नमक, और ये 100 ग्राम जीरा जो हमने तवे पर भून करके रखा हुआ है। ज़्यादा काला नहीं, बिल्कुल ब्राउन करना है इसको। और ये काली मिर्च, ये भी थोड़ी हल्की सी भून के रखी हुई है। और ये है जयवंतरी जो बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम कूट लेते हैं। ये मिक्सी में नहीं कूटना, इससे कूटेगा। अगर बड़ा मोमदस्ता है तो उसमें कूट लीजिए, ज़्यादा कूटना तो। अब सबसे पहले हम ये जयमंत्री कूट लेते हैं। और ये इतना अच्छा मसाला है कि पेट में दर्द हो या पेट में गैस हो, कई चीज़ों में आरामदायक है। और घर पे जैसे शिकंजी बनाते हैं नींबू और पानी, उसमें भी इसको मिला करके पी सकते हैं। अब इसको कूटते हैं। देखिए, ये हमने सुखा करके रखी हुई थी, इससे ये जल्दी कूट जाएगी। वैसे तो हम इसको मिक्सी में भी कूट सकते हैं, लेकिन थोड़ा दरदरा रखना है इसको, मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाती है। ये देखिए हमारी जयमंत्री, देखिए बारीक हो चुकी है ऐसी। अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। और अब हम इसके बाद जीरा कूटते हैं। ये देखिए जो हमने भून करके रखा हुआ है, इसको भी इस मोमदस्ते में डाल लेते हैं। एक बार में आए तो एक बार में, नहीं तो दो बार में भी कूट सकते हैं इसको भी ऐसे। अच्छे से बारीक करना है, बस थोड़ा दरदरा रहे जिससे। देखिए हमारा जीरा बिल्कुल बारीक होने जा रहा है, क्योंकि इसको हमने भून करके रखा हुआ था, ये भी इसलिए जल्दी कूट जाता है। अब इसको भी निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। देखिए ये बिल्कुल बारीक हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, काली मिर्च कूटते हैं। देखिए अब इनको भी कूटते हैं, और नमक तो पहले से ही कूटा हुआ है, ये काला नमक। ये भी जल्दी कूट जाती है, क्योंकि इनको भी हमने पहले धूप में रखा था, और फिर थोड़ा तवे पर हल्के से गर्म किया हुआ। और ये देखिए हमारी काली मिर्च भी बिल्कुल बारीक हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं।
बिल्कुल आसान तरीका है। और ये जो काला नमक है, काला नमक और ये जयमंत्री, देखिए हमने तीनों चीज़ कूट करके रखी हुई है जो कि अभी अभी हमने अपने हाथ से कूटी हुई है। अभी इसको क्या करते हैं, एक जगह मिक्स कर लेते हैं। ये नमक डालते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल अच्छे से। ये सारा मसाला एकदम एक जैसा हो जाना चाहिए ऐसे। और इसको ऐसे मिला करके किसी जार में या किसी डब्बे में रख सकते हैं। ये एक साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार से जो मसाला आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन तक रहेगा। और ये हमने अपने हाथों से बनाया तो इसकी बिल्कुल गारंटी है और तसल्ली है कि ये ख़राब नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरा सामान है सारा। और ये देखिए हमारा लाइमन मसाला बिल्कुल तैयार है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम इसको इसमें डालते हैं ऐसे, और इसको किसी डब्बे में या जार में रख दीजिए बंद करके। और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम फ्रूट चाट खाते हैं, पपीता ले आते हैं, मतीर ले आते हैं, खरबूजा ले आते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा उसके ऊपर डालिए ऐसे और खाइए। देखिए आपका टेस्ट कितना अच्छा बन जाएगा। जैसे कि अब आम आ रहे हैं, आम का जूस बनाते हैं, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। केला खाते हैं तो केले के ऊपर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। या मिक्स चाट होता है, जैसे शकरकंदी होती है, उस पर भी ये यूज हो जाता है। और अगर बाई चांस किसी के पेट में दर्द हो किसी भी समय, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी गर्म करके आधा चम्मच, बिल्कुल इतना, तो आप उसको दे दीजिए। पेट का दर्द बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाता है। और ये हमारा घर पे तैयार किया हुआ मसाला। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मसाला पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी।